Hello students, today's our topic is Bohr effect. Bohr effect tell us about what are the various factors which affect the affinity of the hemoglobin for oxygen. Okay, so coming to the definition of the Bohr effect, it is the shifting of the oxygen hemoglobin dissociation curve towards the right side. Okay, it is the shifting of oxygen hemoglobin dissociation curve, towards right side. Clear? That is this one. But this can be also explained as there is decrease in the affinity of the hemoglobin for the oxygen. There would be decrease in the affinity of hemoglobin for oxygen if there are certain conditions जिनके influence में hemoglobin की जो affinity है oxygen के लिए कम हो जाती है. What are these conditions? First point, if there is increase in the partial pressure of CO2, ठीक है, clear? Second point, if there is increase in the H positive ion concentration, if there is decrease in the pH, that is alternate of this one, opposite of second point, and next point हम देखें, there increase in the temperature. ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट, इफ देयर इज इंक्रीज इन द 2,3-bisphosphoglycerate इफ इन द ब्लड और इन द टिश्यू कैपिलरीज में अगर ये कंडीशन वहां पे आ रही है, तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है फॉर द ऑक्सीजन वो डिक्लाइन करती है, वो डिक्रीज करती है. दैट इज कॉल्ड एज बोर्स इफेक्ट. That is called as Bohr's effect. Clear? तो Bohr effect क्या है? कि that is कि under certain conditions, और वो condition क्या है? ये वाली conditions हैं जिनके cases में, जिनके influence में hemoglobin जो है, उसकी जो affinity है oxygen के लिए कम हो जाती है. That is called as the Bohr's effect. ठीक है? Clear? अब हम इसको diagrammatically, graphically represent करते हैं. Next is graphical representation of the Bohr effect. Okay? तो इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बोर इफेक्ट हम देखें क्या हम लेते हैं. यहां पे अलोंग द एक्स एक्सिस देयर इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन एमएम ऑफ एचजी. ओके, एंड अलोंग द वाई एक्सिस देयर इज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन. ठीक है, क्लियर. तो यहां पे हम इसको परसेंट में ले लेते हैं और यहां पे क्या है, हम एमएम ऑफ एचजी में ले लेते हैं. ठीक है, तो यहां पे जैसे कि ये लिख दिया हमने 10 एमएम ऑफ एचजी, 20 एमएम ऑफ एचजी, 30 एमएम ऑफ एचजी एंड देन 40 एंड 50 एंड सो ऑन. ठीक है, क्लियर. और यहां पे जैसे कि लिख दिया हमने 50% सैचुरेशन, यहां पे अप्रोक्सीमेटली 95%. ठीक है, और यहां पे लिख दिया यहां पे 100% सैचुरेशन. क्लियर. तो नॉर्मली जो ये ग्राफ बनता है, नॉर्मली ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनता है, दैट इज सिग्मोइड कर्व लाइक दिस, ऐसे बनता है. ठीक है, क्लियर. जिसमें क्या है, अप्रोक्सीमेटली 25 एमएम ऑफ एचजी पे क्या है, 50% सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कंप्लीट हो जाता है. ठीक है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस बोर इफेक्ट में क्या है कि वेन एवर देयर इज इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और देयर इज इंक्रीज इन द एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, दैट मीन्स देयर इज डिक्रीज इन द pH, इंक्रीज इन द टेम्परेचर. ठीक है, एंड इफ देयर इज इंक्रीज इन द 2,3-bisphosphoglycerate कंपाउंड. ठीक है, अगर ये कंडीशन ब्लड में है, क्लियर, तो ये जो यहां पे कर्व है वो यहां पे ना बनके ये राइट साइड को शिफ्ट करेगा. ठीक है, दैट मींस ये कर्व जो है वो ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन के आएगा. क्लियर.
अब इसका मतलब क्या है कि अब क्या है कि अब इस पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर पे 50% सेचुरेशन नहीं होगा, अब क्या है इससे ज्यादा वाली वैल्यू वाला जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, वहां पे क्या है 50% सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन हो पाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इन कंडीशन की वजह से, बिकॉज ऑफ दीज कंडीशन देयर इज डिक्रीज इन द एफिनिटी, डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, देयर वुड बी डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दैट नाउ हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड टू अचीव द 50% सेचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, क्लियर? तो मतलब क्या हुआ बोर इफेक्ट में कि ये कर्व जो है वो राइट साइड को शिफ्ट कर रहा है। राइट साइड को कब शिफ्ट करेगा? जब ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो ये राइट साइड को क्यों शिफ्ट किया? क्योंकि ये कंडीशन जो है वो एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन को डिक्रीज कर देती है। वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि अब हीमोग्लोबिन को ज्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो 50% सेचुरेट हो जाए। ठीक है, दैट इज द बोर इफेक्ट। ओके, अब इसमें हम देखें कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बोर इफेक्ट। अब उस पॉइंट पे आते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बोर इफेक्ट। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ बोर इफेक्ट हम देखें, इसका जो हमें फायदा मिलता है दैट इज एट द टिश्यू लेवल। ठीक है, कि एट टिश्यू लेवल जो भी क्या है हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाउंड है। ठीक है, क्लियर? कि जो भी एट टिश्यू लेवल, मान लो दिस इज अ टिश्यू कैपिलरी। ठीक है, क्लियर? यहां पे दिखा दिया आरबीसी, इसमें क्या है हीमोग्लोबिन है और उसके साथ ऑक्सीजन बाउंड है। क्लियर, और ये हमारे टिश्यूज हैं जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कि इस ऑक्सीजन को यहां तक जाना है, इस ऑक्सीजन को यहां तक रिलीज करना है। क्लियर, तो यहां पे क्या, अगर ये बाउंड स्टेट में रहेगा तो ऑक्सीजन इज नॉट एबल टू रीच अप टू द टिश्यूज। ठीक है, क्लियर? तो यहां पे क्या है एट द टिश्यू लेवल व्हाट हैपन, वो सारी कंडीशन अवेलेबल होती है टिश्यू लेवल पे, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है रेस्पिरेशन परफॉर्म हो रही है, CO2 लिबरेट हो रहा है, तो देयर इज हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ये रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से हायर एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन होती है। क्लियर, ठीक है, क्लियर? जिसकी वजह से क्या है ये यहां पे कंडीशन जो होती है, ये हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के लिए, उसको वो वीकन कर देती है, कमजोर कर देती है। क्लियर, तो ये कम हो जो एफिनिटी है कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन यहां से यहां को डिफ्यूज होके आ पाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब उसको हीमोग्लोबिन ने रिलीज कर दिया, क्योंकि यहां पे जो ब्लड है उस दैट इज हैविंग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 PO2 दैट इज 95 और यहां पे होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 दैट इज 40। तो जैसे ही हीमोग्लोबिन इसको रिलीज कर देगा बिकॉज ऑफ द बोर इफेक्ट, तब क्या है ये ऑक्सीजन यहां से यहां को डिफ्यूज होकर चली जाती है। ठीक है, क्लियर? तो मतलब क्या है कि अगर हीमोग्लोबिन इसको नहीं छोड़ेगा तब तक ऑक्सीजन जो है यहां से यहां को नहीं आ पाएगी। तो बोर इफेक्ट जो होता है वो इस ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट होने में हेल्प करता है। ठीक है, और फिर ये ऑक्सीजन यहां से फ्रॉम द हायर पार्शियल प्रेशर एरिया टू द लोअर पार्शियल प्रेशर एरिया मूव करके टिश्यूज में आ जाती है और तब ये टिश्यूज को यूज कर लेता है। ठीक है, दैट इज अबाउट दिस बोर इफेक्ट। क्लियर, तो आज के लिए बेटा इतना ही है, बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।